as o dear student, I am Professor Syed Arbaaf Fatima. We are doing unit number 7, Introduction to Trigonometry, grade 10th. Today we are going to solve last three questions of exercise 7.5. Yes, we are going to solve question number 10 now. So, the question number 10 of exercise 7.5 is, From an observation point, the angles of the depression of two boards in line with this point are found to be 30 डिग्री एंड 45 degree. डिग्री फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बोर्ड्स इफ़ द पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज़ feet high. फीट हाई इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ को क्लियर करते चले जाऊं कि हम मैंने यहाँ पे एफ टी भी राइट किया है और ए वन स्लैश भी राइट किया है हम फीट को किसी भी तरह से लिख सकते हैं आप स्लैश में भी लिख सकते हैं और एफ टी में भी लिख सकते हैं और अगर डबल स्लैश हो तो उसका मतलब है वो हम बात कर रहे हैं की द फर्स्ट थिंग उसके बाद अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हमारा इस इस वक्त ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है द डी पॉइंट डी पॉइंट इज बेसिकली द ऑब्जर्वेशन पॉइंट गिवन क्या है गिवन ये है कि टू बोर्ड्स हैं वो उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाती हैं वो कौन सा है 30 एंड 45 डिग्री एंड वी नो दैट व्हेन वी हैव टू पैरल लाइंस क्योंकि आप इस लाइन और इस बेस लाइन को देखें तो ये क्या है पैरेलल और अगर इस लाइन को से फोकस किया करें तो ये क्या है टू पैरल लाइन्स हैं और उनको क्या करिए इंटरसेक्ट कर रही हैं जस्ट लाइक दिस टू पैरल लाइन्स हैं और एक लाइन क्या कर रही है ने इंटरसेक्ट कर रही है सो so, तो जब भी ऐसी सिचुएशन होगी हमारे पास तो हमारे इंटरनल ऑपोजिट एंगल जो होते हैं दिस वन एंड दिस वन ऑलवेज सेम ओके okay, तो हमारे ये वाले एंगल सेम होंगे इसी वजह से हमने यह, यहाँ पे अगर थर्टी है तो यहाँ पे भी क्या राइट किया है थर्टी और यहाँ पे फोर्टी फाइव है तो यहाँ पे भी क्या राइट किया है 45. अब हम ये देख रहे हैं कि इस तरीके से ड्रॉ करने से हमारे पास टू ट्रायंगल्स आ गए डी ए सी एंड डी बी सी और एक और चीज आया तो हमारे पास डी ए बी भी है लेकिन हम जब ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की तो ये दो दिस वन एंड दिस वन आर द राइट एंगल ट्राइंगल ये भी एक ट्राइंगल तो है लेकिन ये क्या है ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है इस वजह से हम इसको नहीं डील कर सकते हैं. चलते हैं क्वेश्चन की तरफ अब हमने फाइंड क्या करना है ये देखते हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बोर्ड्स इफ द पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज़ फोर थाउजेंड फीट ये इतना हाई uh, है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने क्या करना है दोनों बोर्ड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको क्या करना है फाइंड करना है चलते हैं क्वेश्चन की तरफ ओके hmm. सो okay. so, हम स्टार्ट किस तरह करेंगे लेट ए एंड बी आर टू बोट्स सबसे पहले हमें अलाइट कर लिया कि ए और बी क्या है दोनों बोट्स हैं एंड डी इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ए भी हमारे पास टू बोर्ड्स हैं और डी हमारे पास क्या है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो हम कौन से दो एंगल्स यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे हम एंगल्स की बात करेंगे मयर एंगल डी ए सी है हमारे पास और दूसरा क्या है मयर एंगल डी डी बी सी तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे दोनों एंगल्स है, हैं क्या डी ए सी क्या है हमारे पास थर्टी है थर्टी डिग्री और डी बी सी क्या है स्टूडेंट फोर्टी फाइव डिग्री ओके अब हमने देखना है कि हमने फाइंड क्या करना है फाइंड हमने uh, करना है डिस्टेंस बोर्ड्स के दरमियान तो हम क्या करते हैं इस डिस्टेंस को बताने से पहले अपनी इस लेंथ के बारे में भी बता देते हैं कि हमारे पास ये लेंथ क्या है लेंथ मैय सी टीक्वल्स टू फोर थाउजेंड feet. अब आप एफ टी लिखें या इस एक स्लैश यूज कर लें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अब हम क्या करेंगे अब हम ये देखेंगे कि दोनों में डिस्टेंस क्या है लेट करेंगे कि ए बी के, के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एक्स है और बी सी के जो दरम्यान डिस्टेंस है वो क्या है वाई लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू बोर्ड्स क्या है जो गिवन हम बता देते हैं ए बी क्या है हमारे पास ए बी इक्वल्स टू एक्स एंड इक्वल्स अब हम हम क्या करेंगे अपने को यूज़ करते हुए अपनी वैल्यू को फाइंड करेंगे अब ट्राइंगल में देखें स्टूडेंट हमें क्या गिवन है हमें परपेंडिकुलर गिवन है और हमने क्या करना है बेस फाइंड करनी है इट मीन दिस इज द रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस तो वो कौन सा टिक्डोमेट्रिक फंक्शन है जो हम यहाँ पे यूज करेंगे वो है टेन क्योंकि टेन हमें रेशियो देता है परपेंडिकुलर और बेस की साइन और कॉज हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे हाइपोटिनस भी इंक्लूड हो जाता है और यहाँ पे ना तो हाइपोटिनस हमें गिवन है और ना ही हमें वो रिक्वायर्ड है तो हम इसलिए उसको यूज़ नहीं करेंगे तो अब ट्राइंगल देखते हैं हम किस ट्राइंगल को डिस्कस करने लगे हैं तो हम ट्राइंगल देख रहे हैं हम सबसे पहले जिस ट्राइंगल को डिस्कस करने लगे हैं डी बी सी है देन ट्राइंगल डी बी सी ओके अब ट्राइंगल डी बी सी में हम सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे टेन की टेन ऑफ हम एंगल कौन सा यूज करेंगे फोर्टी फाइव डिग्री इक्वल्स टू पर पेंटिकुलर बेस सो यहाँ पे क्या वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास मय सी डी अपॉन अब क्योंकि हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो इस ट्रायंगल में हमारी बेस जस्ट वाई है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे मैर बी सी अभी इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फोर थाउजेंड फीट अपॉन यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी वाई की आ जाएगी और यहाँ पे क्या है हमारे पास टेन फोर्टी फाइव डिग्री एंड वी नो दैट स्टूडेंट टेन फोर्टी फाइव क्या होता है टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू होती है वन तो यहाँ पे हम लिख देंगे एज वी नो दैट टेन फोर्टी फाइव डिग्री इक्वल्स टू वन ये याद रखना है आपने ओके okay. अब इसको हम इसमें पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे वन इक्वल्स टू थाउजेंड अपॉन वाई यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम देखेंगे कि वाई की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे फोर थाउजेंड फीट तो ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई है वाई की वाई की वैल्यू आ गई है तो हम इसको इस तरीके से पॉइंट आउट कर देते हैं अब हम दूसरे ट्राएंगल की तरफ चलते हैं दूसरा ट्राइंगल क्या है डी ए सी अब हम दूसरे ट्रायंगल को स्टार्ट करके वहां से टेन की वैल्यू निकालेंगे फिर अपनी रिक्वायर्ड आंसर की तरफ चलेंगे डी ए एंड सी अब डी ए सी में हम टेन की वैल्यू फाइंड करने लगे स्टूडेंट्स टैन अब एंगल क्या लेंगे टेन थर्टी डिग्री इक्वल्स टू अब ये लेंथ तो सेम रहेगी क्योंकि परपेंडिकुलर दोनों ट्राइंगल क्या कहा था सेम था तो ऊपर तो आ जाएगा मयर सी डी लेकिन अब जरा बेस पे देखें अब क्योंकि हम ये कंप्लीट ले रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल तो इसमें ये लेंथ भी इंक्लूड होगी और ये भी इट मीन्स हम क्या करेंगे एक्स प्लस वाई करेंगे सो so, हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे मयर ए बी प्लस मयर बी सी ओके देन वैल्यूज को पुट कर देंगे फोर थाउजेंड एक्स प्लस वाई और यहाँ पे हम टेन की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में पुट कर देंगे टेन थर्टी की तो पहले हम मेंशन करेंगे कि टेन थर्टी इक्वल होता है टेन थर्टी इक्वल्स टू वन ओवर अंडर थ्री ओके ये हमें पता है कि टैन की वैल्यू यस में क्या करेंगे पुट कर देंगे पुट करने से हमारे पास इस साइड पे आ जाएगा वन ओवर अंडर रूट थ्री फोर थाउजेंड अपॉन एक्स प्लस वाई अब क्या करें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे एक्स प्लस वाई इंटू वन एंड अंडर रूट थ्री इंटू फोर थाउजेंड अब क्या करेंगे x प्लस वाईक्स टू इसको इस तरीके से राइट कर देते हैं अब क्या करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हम y की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं हम वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं x की तो y को उधर मूव करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा थ्री माइनस क्योंकि यहाँ प्लस हो रहा है वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस वाई की वैल्यू पुट कर देंगे फोर थाउजेंड माइनस फोर थाउजेंड अब देखें स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ रहा है फोर थाउजेंड कॉमन आ रहा है तो जब हम फोर थाउजेंड कॉमन ले लेंगे तो अंडर रूट थ्री माइनस वन टू फोर थाउजेंड उसके बाद हम कैलकुलेटर्स की क्या करेंगे वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पर क्या कर देंगे पुट कर देंगे 0.732 मल्टीप्लाई बाय फोर थाउजेंड उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसका फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देंगे टू नाइन टू एट फीट यहाँ पे मर्जी है दोनों नोटेशन में से जॉन नोटेशन आप यूज करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं सो दिस इज एक्स दैट्स इट अब हमने क्या किया देखिए यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना था जो टू बोर्ड्स थी उनके दरम्यान में डिस्टेंस फाइंड करना था जो कि क्या था ये यही था ना डिस्टेंस तो इस डिस्टेंस को हमने फाइंड कर लिया है और अब हम क्या करने लगे है? मैंशन करने हैं मैंशन करेंगे सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन इज टू शिप्स विच आर इन अलाइन विद द बेस ऑफ अर्टिकल क्लिफ आर वन ट्वेंटी मीटर अपार्ट इसका मतलब यह है जो हमारी दो शिप्स हैं वो आपस में उनका डिस्टेंस बताया गया है कि वो कितने डिस्टेंस पे हैं वन ट्वेंटी मीटर्स द एंगल्स ऑफ द डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ़ टू द शिप्स आर थर्टी एंड फोर्टी फाइव ये जो हमारे पास क्लिफ़ है उससे हमारे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हैं टू एंगल्स हैं थर्टी एंड फोर्टी फाइव shown इन द diagram. जो कि आपको डायग्राम में शो किए गए हैं और क्योंकि ये डायग्राम ऑलरेडी आपको गिवन है तो पेपर में भी जब आएगी तो ये आपको बनी हुई ही आएगी हमने कैलकुलेट क्या करना है कैलकुलेट द डिस्टेंस बी सी वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस कैलकुलेट द हाइट सी डी ऑफ द क्लिफ एंड सी डी इज बेसिकली द हाइट ऑफ दिस दैट आई हैव ड्रॉन हियर ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन In the figure A and B are the two boats. In figure A and B are the two boats, and CD is the height of the cliff. and where CD is the height of the cliff. Cliff, जो कि हमने उसकी वैल्यू क्या ली है हम यहाँ पे मेंशन करेंगे My CD is y. The distance between the two boards डिस्टेंस बिटवीन द टू बोर्ड्स दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या है वो डिस्टेंस है मयर ए बी विच इज वन ट्वेंटी मीटर्स ओके okay. ये वो है जो हमें गिवन है अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो एक्स है वो क्या है उसको हम क्या कर रहे हैं सपोज कर रहे हैं ये गिवन नहीं है कि इसकी वैल्यू एक्स होगी हमने ख़ुद सपोज़ किया है कि हमारी जो बी सी लेंथ है उसकी वैल्यू क्या होगी एक्स लेट बी सी इक्वल्स टू एक्स उसके बाद हम देख लेते हैं एंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं हमारे जो दो एंगल्स बन रहे हैं उनको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे एंगल अब एंगल देखना है बन कौन कौन से रहे हैं एक एंगल बन रहा है डी ए सी डी ए सी वो क्या है थर्टी डिग्री और दूसरा क्या है डी बी सी डी बी सी अब दोनों यहाँ पे मेंशन करेंगे कि दोनों क्या हैं एक है थर्टी डिग्री और एक क्या है फोर्टी फाइव डिग्री हमें पता है कि टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू क्या होती है वन तो अगर हम सबसे पहले वो ट्रायंगल सॉल्व करें जिसमें 45 फाइव इंक्लूडेड है तो हमारे लिए आसानी होगी ये एंगल्स हमारे पास उसी तरीके से आए एंगल ऑफ डिप्रेशन और जो हमने पैरल लाइन की प्रॉपर्टी यूज़ की थी वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे भी यूज़ की है टू लाइंस अगर पैरल हैं तो अगर कोई एक नॉन पैरलाइन इंटरसेक्ट करती है तो इंटरनल ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल इसलिए ये थर्टी इसके इक्वल है और ये फोर्टी फाइव इसके इक्वल है तो सबसे पहले हम इस ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे और उससे हम वैल्यू फाइंड करेंगे फिर उसके बाद दूसरा ट्राइंगल सॉल्व करेंगे और एक और चीज़ जो मैं क्लियर करती चलूँ यहाँ पे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि हम डी ए बी ट्राइंगल को क्यों नहीं ले रहे क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है और ट्रिग्नोमेट्री में हम जब भी बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की और तभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को यूज़ कर सकते हैं देन ट्राइंगल डी बी सी डी बी सी अब ट्राइंगल डी बी सी में हम किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं टेन की सो टेन फोर्टी फाइव डिग्री इक्वल्स टू मयर सी डी अपॉन अब हम कौन सी वैल्यू लेंगे ये वैल्यू ये वाली वैल्यू लेंगे मयर बी सी अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे वी नो दैट द वैल्यू ऑफ टेन एट द एंगल ऑफ 45 फाइव इक्वल्स टू वन इसको यहाँ पे पुट करेंगे वन mm -hmm. equals टू सी की जगह आ जाएगा हमारे पास y और BC की जगह क्या आ जाएगा x जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x equals टू वाई अब हम क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर वन फर्स्ट एक हम इसको कह देंगे क्यों कह देंगे क्योंकि हम एक ट्राइंगल को सॉल्व कर चुके हैं अब हम क्या मूव करेंगे दूसरे ट्राइंगल की तरफ चलेंगे दूसरा ट्राइंगल क्या है ट्राइंगल डी ए सी अब हम बड़े वाला कंप्लीट जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसको लेकर चलेंगे डी ए एंड सी अब डी ए सी में हम टेन को फिर से फाइंड करेंगे टेन थर्टी डिग्री इक्वल्स टू पर पेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा सेम वही है वाई और अब हमने देखना है जो बेस है उसकी वैल्यू क्या होगी वन ट्वेंटी प्लस एक्स सो so, हम क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी अब हम सबसे पहले क्या पुट करेंगे टेन की वैल्यू पुट करेंगे टेन की वैल्यू थर्टी पे क्या होती है टेन थर्टी डिग्री इक्वल्स टू वन ओवर अंडर रूट थ्री इसको हम इसमें क्या करेंगे पुट कर देंगे वन ओवर अंडर रूट थ्री इक्वल्स टू वाई ओवर एक्स प्लस वन ट्वेंटी ओके अच्छा स्टूडेंट हमने क्या फाइंड करना है हमने फाइंड करना है एक्स और वाई दोनों ही फाइंड करने हैं तो हम क्या करते हैं अब हमारे पास इक्वेशन वन को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे या तो एक्स की जगह वाई को पुट कर देंगे या वाई की जगह एक्स को पुट कर देंगे जिसको भी पुट करेंगे तो हमें दूसरी वैल्यू मिल जाएगी तो इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं एक्स प्लस वन ट्वेंटी इक्वल्स टू बाई अंडर रूट थ्री तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे x की जगह मैं पुट कर रही हूँ y y प्लस वन ट्वेंटी इक्वल्स टू इन टू अंडर रूट थ्री तो अब क्योंकि हमने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है वाई को एक साइड पे कर देंगे बाकी सारी टर्म्स को एक साइड पे कर देंगे वाई माइनस वाई अंडर रूट थ्री इक्वल्स टू वन ट्वेंटी देन अब दोनों में से क्या आ गया कॉमन आ गया वाई वन माइनस अंडर रूट थ्री वाई कॉमन आ गया और ये इससे मल्टीप्लायर वहां जाकर क्या हो गया डिवाइड हो गया तो वन ट्वेंटी वन माइनस अंडर रूट थ्री अब क्या करेंगे कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और इसमें क्या करेंगे पुट करेंगे ज़ीरो पॉइंट सेवन थ्री टू उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और फिर हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी वाई की वन सिक्स थ्री पॉइंट नाइन थ्री अब हम आ, क्या यूज़ कर रहे थे हम बात कर रहे थे मीटर्स में तो साथ क्या आ जाएगा मीटर्स अब स्टूडेंट हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई है तो हम अगर x की वैल्यू फाइंड करते हैं या y की वैल्यू फाइंड करते हैं एक ही बात है क्यों क्योंकि दोनों सेम है इक्वेशन वन से ये शो हो रहा है तो हमने क्या क्या फाइंड करना था हमने कैलकुलेट करना था बी सी डिस्टेंस और हमने कैलकुलेट करनी थी हाइट तो यहाँ पे हम लिख लेंगे देयर फॉर अब हमारे पास क्या आ गई है भर बी सी इक्वल्स टू क्या वैल्यू हमने इसको दी थी एक्स इक्वल्स टू 163.93 और इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है वो भी आ गई मैर सी डी इक्वल्स टू इक्वल्स टू वन सिक्स थ्री पॉइंट नाइन थ्री एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ऑफ एक्सरसाइज सेवन पॉइंट फाइव और ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और ये उन क्वेश्चन में से हैं जो थोड़े से लिटिल बिट हमें समझने में डिफ़िकल्ट uh, होती है बट ऑब्वियसली जब हम समझ लेते हैं तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं रहती सपोज दैट वी आर स्टैंडिंग ऑन अ ब्रिज थर्टी फीट अबव फ्रॉम अ रिवर वॉचिंग लॉग मतलब रिवर से कितनी ऊंचाई पे खड़े हैं थर्टी फीट फ्लोटिंग टूवर्ड्स अस अब हम एक देख रहे हैं वॉचिंग अ लॉग फ्लोटिंग टूवर्ड अस अब देखना है यह है कि लॉक क्या होता है लॉग बेसिकली लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा होता है जिसको हम लॉग कहते हैं एक लकड़ी का टुकड़ा है जो कि तैरता हुआ कहाँ आ रहा है हमारी तरफ आ रहा है इफ़ द एंगल विद द हॉर्जोंटल टू द फ्रंट ऑफ द लॉग इज सिक्सटीन पॉइंट सेवन एंड द एंगल विद द हॉर्जोंटल टू द बैक ऑफ द लॉग इज़ फोटीन डिग्री हाउ लॉन्ग इज द लॉग मतलब हमने सबसे पहले देखा कि एंगल्स क्या बना रहा है लॉग फ्रंट के साथ जो उसका मतलब अगर ये लॉग का पीस है लाइक दिस इफ दिस इज़ द पीस ऑफ द लॉग तो फ्रंट पे क्या एंगल बना रहा है वो है सिक्सटीन पॉइंट सेवन और बैक के साथ जो एंगल बना रहा है वो क्या है फोर्टीन डिग्री हमने इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉग वैल्यू ऑफ वाई वाई की वैल्यू जो हमने लॉग को दी है वो हमने खुद दी है क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि वाई उसको दिया है तो हम यहाँ पे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां करेंगे कि हमने लेंथ ऑफ द लॉग जो के, uh, है, उसको हमने क्या कंसिडर किया है वाई सो दे अब हम यहाँ पर देखेंगे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ऑफ ऑब्जर इज डी सो डी इज बेसिकली द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने फाइंड क्या करना बट वी हैव टू फाइंड बेसिकली वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉग सो हमने क्या हम यहाँ पे देखेंगे कि उसकी डिस्टेंस कितना है उसकी लेंथ कितनी है लेंथ ऑफ द लॉग जो कि हमारे पास क्या है यहाँ पे हम बताएंगे अगर हम यहाँ से देखना शुरू करें तो ये हमारे पास क्या आ जाती है ए बी ए बी ओके जो कि हमने क्या करनी है फाइंड करनी है इक्वल्स टू वाई लाइक दिस अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी अब देखते हैं हमारे पास गिवन क्या क्या है अब हमारे पास जो गिवन है उनको मैंशन कर देते हैं मयर बी सी इक्वल्स टू एक्स एक ये गिवन है तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे इसकी वैल्यू किसके इक्वल है एक्स के इक्वल और एंगल्स कौन कौन से गिवन हैं वो देख लेते हैं एक एंगल है डी ए सी और दूसरा एंगल है डी बी सी तो हम दोनों एंगल्स को लिखेंगे डी ए सी इक्वल्स टू हम अभी मेंशन करते हैं क्या है उसके बाद है डी बी सी डी बी सी यहाँ पे हम दोनों एंगल्स को क्या कर देते हैं मेंशन कर देते हैं डी ए सी है फोर्टीन डिग्री एंड डी बी सी क्या है सिक्सटीन पॉइंट सेवन डिग्री अब हमने सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं अब हम देखते हैं हम कौन से ट्रायंगल को लेकर चलेंगे और अपनी वैल्यू को फाइंड करेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पे दो मेन राइट एंगल ट्रायंगल हैं एक हमारे तो पास डी सी ए है और दूसरा क्या है डी सी बी है ओके अब हमने देखना दोनों में हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है थर्टी फीट है और क्योंकि हमने बेस में से एक पार्ट है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है इट मीन्स कि हमारा संभाव बेस है जो कि हमें रिक्वायर्ड है इट मीन्स कि हमने परपेंडिकुलर और बेस के रिलेशन को ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में देखना है वो क्या है टैन है तो सबसे पहले ट्राइंगल को डिस्कस करते हैं हम कौन से ट्राइंगल की बात करने लगे हैं नाव वी आर गोइंग टू डिस्कस द ट्राइंगल डी बी सी अब इस ट्राइंगल में हम टेन की वैल्यू फाइंड करेंगे टैन एंगल कौन सा ले रहे हैं हम एंगल हम ले रहे हैं 16.7 अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आएगी और हमारी बेस की वैल्यू क्या आएगी परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी हमारी मैयर सी डी अपॉन अब हम इतना ट्रायंगल ले रहे हैं ये वाला इसमें एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर मैयर सी बी या बी सी बी सी अब यहाँ पे हम क्या करेंगे वैल्यूज को पुट कर देंगे टेन सिक्सटीन पॉइंट सेवन डिग्री यहाँ पे सी डी की वैल्यू क्या है थर्टी और हमारे पास बी सी की वैल्यू क्या है एक्स अब इनको क्या यही जहाँ के वहाँ मल्टीप्लाई गई वहाँ के डिवाइड हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी थर्टी अपॉन टेन सिक्सटीन पॉइंट सेवन अब क्या करेंगे हम कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड करेंगे और इस वैल्यू को यहाँ पे लिख देंगे वैल्यू इज ट्रिपल ज़ीरो ज़ीरो पॉइंट थ्री ट्रिपल जीरो वन आप इसको फर्दर और डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे और यहाँ पे वैल्यू मैंशन कर देंगे डबल नाइन डबल सिक्स सो नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन नाइन सिक्स फीट एक हमारे पास वैल्यू आ गई है एक्स की लेकिन हमने फाइंड एक्स की नहीं हमने फाइंड वाई की वैल्यू करनी है लेकिन एक्स की वैल्यू हमें चाहिए वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसलिए हमें ये यूज़फुल होगी ओके अब हम दूसरे ट्राइंगल की तरफ जाते हैं दूसरा ट्राइंगल क्या है ट्राइंगल डी ए सी अब ट्राइंगल डी ए, ए सी में हम वैल्यू फाइंड करेंगे अपनी टैन की टेन यहाँ पे हमारे पास एंगल क्या आ जाएगा फोर्टीन अब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो थर्टी ही है लेकिन हमारा जो है बेस का डिस्टेंस है वो अब क्योंकि हम पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं ये वाला यहाँ से यहाँ तक मतलब तो तो एक पूरा बड़ा जो राइट एंगल ट्रायंगल हम उसको लेकर चल रहे हैं तो दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा एक्स प्लस वाई उसके बाद हम इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने क्वेश्चन को इस तरीके से रख लेंगे हमें समझ अच्छे से आ जाए कोई नंबर ना हो तो डिनोमिनेटर होता है अगर तो डिनोमिनेटर में वन होता है तो हम क्या करेंगे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वापस इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास टेन फोटीन डिग्री ओके अब यहाँ पे इसके क्या करेंगे वैल्यू को पुट कर देंगे ज़ीरो पॉइंट टू फोर नाइन डबल थ्री उसके बाद इनको डिवाइड करेंगे और आंसर होगा हमारे पास वन ट्वेंटी पॉइंट थ्री डबल टू फोर ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई है और हम एक्स की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्स की वैल्यू को पुट करके इसको सॉल्व करेंगे एक्स यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस y equals to 120.3224 minus x x की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली पुट करने लगी हूँ 99.996 अब हम फाइनली अपना y का आंसर यहाँ पे मेंशन कर देंगे कैलकुलेटर से वैल्यू को फाइंड करने के बाद 20.33 feet so hmm. this is the required value इट मीन्स therefore, length लेंथ ऑफ द लॉग जो कि हमारे पास क्या थी ए बी थी उसकी वैल्यू क्या है उसकी वैल्यू है

आज हमने लास्ट थ्री क्वेश्चन एक्सरसाइज सेवन पॉइंट फाइव को सॉल्व कर लिए हैं और हम पूरे अपने चैप्टर के एक्सरसाइज और एग्जांपल्स को भी सॉल्व कर चुके हैं और हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ चुके हैं और उनकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देख चुके हैं तो मुझे उम्मीद है कि चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसकी प्रैक्टिस करें सी इन द नेक्स्ट लेक्चर टेक केयर सेल्फ अल्लाह हाफिज़